देश के अंदर जिस तेजी के साथ में रिकवरी रेट बढ़ा है, दुनिया में भारत ऐसा देश है जो नंबर वन है जहां पर सबसे ज्यादा स्वस्थ होने वालों की तादाद सामने आई है। मगर जिस रफ्तार से देश के अंदर कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, कुछ दिनों में अगर ऐसा रहा तो फिर अमेरिका को पीछे छोड़कर के भारत नंबर वन तमाम पूरे मामले में बन जाएगा। आइए रिपोर्ट देखते हैं। वैसे तो अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामलों में नंबर वन पर है और भारत दूसरे स्थान पर, मगर रोजाना आने वाले नए मामलों में भारत अमेरिका से भी आगे है और चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही कोरोना के कुल मामलों में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ नंबर वन हो जाएगा। 24 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक मामले आए 86,508, मौतें हुई हैं 1,129 लोगों की। चूंकि हर दिन औसतन 85,000 से 90,000 या 1,00,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए खतरा ज्यादा दिख रहा है। देश में कुल मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मामले 57,32,519 के पार हैं, एक्टिव केस हैं 9,66,382, रिकवर होने वालों की संख्या है 46,74,988, मौतें हुई हैं 91,149 लोगों की। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा हुआ है, मगर सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की बेहतर कोशिशों से हालात बेहतर होने की दिशा में हैं। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों के जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में कुल मामले बढ़कर हो चुके हैं 43,720, एक्टिव केस हैं 11,867, रिकवर होने वालों की संख्या है 31,123, मौतें हुई हैं 529 लोगों की। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति भयावह ही बनी हुई है और ऐसे में कोरोना वैक्सीन के सफलता के साथ आने और सफलतापूर्वक लोगों के लिए उपलब्ध होने में माना जा रहा है कि अभी काफी समय लग सकता है, इसलिए बचाव ही इलाज है कि नीति पर चलते रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।